फूड सिक्योरिटी बिल को लागू नहीं करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात समेत कई राज्यों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या गुजरात भारत में नहीं है? आपको बता दें कि कोर्ट एक PIL पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कई राज्य सूखा प्रभावित इलाकों में फूड सिक्योरिटी बिल और मनरेगा जैसी स्कीम लागू नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर PDP नेता महबूबा मुफ्ती राज्यपाल से मिलेंगी। सोमवार दोपहर पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद महबूबा ने ये फैसला लिया। इसके पहले राज्यपाल NN वोहरा ने PDP और BJP से पूछा है कि गठबंधन आगे चलाना है या नहीं। उन्होंने महबूबा मुफ्ती और जम्मू BJP अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना रुख साफ करने को कहा था। इसके लिए उन्होंने मंगलवार तक का समय दिया था। श्रीलंका के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। खास बात यह है कि विराट कोहली को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। दिल्ली के ऑलराउंडर पवन नेगी को टीम में शामिल किया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को एक पुलिस ठिकाने को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती बम हमले में 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यह हमला उस वक्त हुआ है जब औपचारिक शांति वार्ता को बहाल करने के प्रयासों के बावजूद तालिबान ने हमले तेज कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस के कारनामों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें पुलिस की बेरहमी सामने आई है, वह भी बेकसूर लड़कियों पर। पुलिस वाले छात्र छात्राओं को बेरहमी से पीट रहे थे। इन छात्राओं का कसूर ये था कि RSS के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता ने सोमवार को पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलकर इस साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर चर्चा की। यह मुलाकात राज्य में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल से मुकाबला करने के लिए माकपा से गठबंधन की संभावनाओं पर केंद्रित था। हालांकि इस मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सार्वजनिक तौर पर इस बिंदु पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि राज्य इकाई के सभी सदस्यों ने अपने उपाध्यक्ष को अपने स्वतंत्र विचारों से अवगत करा दिया है, जिसे उन्होंने ध्यान से सुना है। देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा में खुलेगी, ये जानकारी रेलवे राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने दी है। गुजरात के 2 दिनी दौरे में आए सिन्हा ने शनिवार को बताया कि राज्य सरकार भारतीय रेल को रेलवे यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने में मदद कर रही है। पेट्रोल कीमतों में 4 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 3 पैसे प्रति लीटर की कटौती हुई है। सरकार ने मोटर वाहन ईंधन पर उत्पाद शुल्क फिर बढ़ा दिया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का स्थानीय उपभोक्ताओं को कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ और पेट्रोल और डीजल के भाव नाम मात्र को कम हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी की गई सूचना में बताया गया है कि मोदी के पास केवल 4,700 रुपए नकद हैं, जो 8 अगस्त 2014 में घोषित संपत्ति की तुलना में 38,700 रुपए से कम है। 26 मई 2014 को मोदी ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था। देश के प्रधानमंत्री का बचत खाता भी गुजरात में है। अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट का बॉक्स ऑफिस पर जलवा दूसरे वीकेंड भी जारी रहा। कमाई के मामले में इसने शुक्रवार रिलीज हुई मस्ती जादू और साला खड़ूस जैसी फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया और इस तरह कुल कलेक्शन 100 करोड़ रुपए के पार हो गया।